हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जोरिया एकेडमी पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने विटामिन चैप्टर को पढ़ा था और इस वीडियो में हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है सुकरात, ऑप्शन बी है प्लूटो, ऑप्शन सी है अरस्तु और ऑप्शन डी है थेल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरस्तु। मैंने कल बताया था आपको कि अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अरस्तु जो थे वो एक यूनानी दार्शनिक थे और इनके गुरु का नाम प्लूटो था। और एक और चीज़ मैं इसी में बता दूँ कि जो प्लूटो हैं ये सुकरात के शिष्य थे। सुकरात के शिष्य प्लूटो और प्लूटो के शिष्य अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज 1912 में किसने की थी। ऑप्शन ए है ल्यूनिन, ऑप्शन बी है एफ जी हॉपकिंस और ऑप्शन सी है सी फंक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एफ जी हॉपकिंस। इनके बारे में हमने कल पढ़ा था, इन्होंने 1912 में विटामिन की खोज की थी। और सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है शरीर में उचित मेटाबॉलिज्म बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी है मानव के विकास के लिए आवश्यक, ऑप्शन सी है इनमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी जितने भी कथन यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विटामिन कुल कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है, ऑप्शन ए दिया गया है 6, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 13। कुल विटामिन 13 प्रकार के होते हैं। अगर एग्जामिनर पूछे कि प्रमुख कितने विटामिन होते हैं, तो प्रमुख 6 विटामिन होते हैं। कल मैंने बताया था आपको कि वसा में घुलनशील विटामिन वो होते हैं के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए कीड़ा, और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, बी और सी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला विटामिन है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहते हैं, ऑप्शन बी है विटामिन बी जो थायमिन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और ऑप्शन डी है विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। ये हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, जो एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस विटामिन की कमी होने पर टमाटर, नींबू, संतरा, आंवला, हरी मिर्च लेना चाहिए। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी हमें टमाटर, नींबू, संतरा आदि खट्टे फलों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है, गर्म करने पर सबसे पहले कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी जो खट्टे फल होते हैं, विटामिन सी जिनमें प्राप्त जिनसे हमें प्राप्त होता है, अगर उनको गर्म करते हैं तो वो विटामिन नष्ट हो जाता है। और एक इसमें एक एक्सेप्शन केस ये है कि विटामिन
सी आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और आंवले को गर्म करने पर इसमें विटामिन सी ख़त्म नहीं होता, यानी हम ये कह सकते हैं कि आंवला जो है वह एक अपवाद है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विटामिन दूध और अंडे में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन ई, और ऑप्शन सी है विटामिन के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी दूध और अंडे में नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के विकास के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका राइट आंसर होगा, वो आपको पता है, विटामिन डी। विटामिन डी जो कि हड्डियों के विकास के लिए सहायक है, और ये सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा प्रजनन विटामिन के नाम से जाना जाता है? इसके बारे में कल मैंने बताया था, इसको प्रजनन और सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई को प्रजनन विटामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है कि विटामिन का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। विटामियोलॉजी, वीटोलॉजी, विटमिन्सलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विटामियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी को सबसे पहले खोजा गया था। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल जोरिया अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।